नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 8 सितंबर। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,49,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 1,369 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या बढ़कर 1,49,027 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 55, अरवल में 12, औरंगाबाद में 63, बांका में 38, बेगूसराय में 27, भागलपुर में 97, भोजपुर में 21, बक्सर में 10, दरभंगा में 33, पूर्वी चंपारण में 39, गया में 28, गोपालगंज में 26, जमुई में 13, जहानाबाद में 9, कैमूर में 9, कटिहार में 17, खगड़िया में 19, किशनगंज में 34, लखीसराय में 30, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 14, मुंगेर में 16, मुजफ्फरपुर में 43, नालंदा में 41, नवादा में 16, पटना में 241, पूर्णिया में 46, रोहतास में 18, सहरसा में 26, समस्तीपुर में 48, सारण में 72, शेखपुरा में 10, शिवहर में 17, सीतामढ़ी में 46, सिवान में 17, सुपौल में 36, वैशाली में 35, पश्चिम चंपारण में 26। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर बिहार में 1,32,145 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 761 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में लॉकडाउन की अवधि हुई खत्म। बिहार में बीते दिन से लगाए गए लॉकडाउन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद से पूरे राज्य में अनलॉक 4 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत बिहार सरकार के गृह विभाग ने केंद्र के गाइडलाइन को बिहार में लागू रखने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद 21 सितंबर से लोगों को कई सारी रियायतें मिलने वाली है, जिसके तहत राज्य में या राज्य से बाहर आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोग 21 सितंबर के बाद मौजूद हो सकते हैं, जिसके तहत राज्य में या राज्य से बाहर जाने वालों की पर कोई रोक नहीं होगी। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोगों को मौजूद नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस तरह के आयोजन पर रोक है, जिसमें शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग उपस्थित हो पाएंगे। 21 सितंबर के बाद ऑनलाइन क्लासेस के लिए शिक्षण संस्थान को अपने 50% शिक्षकों और कर्मचारियों को बुलाने की इजाजत होगी। 9वीं से 12वीं तक के छात्र पढ़ाई के सिलसिले में शिक्षकों से स्कूल में मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि सिनेमा हॉल, पार्क सभी बंद रखा जाएगा और 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने निर्धारित समय पर ही परीक्षा लेने का जारी किया आदेश। पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 9 सितंबर को ही आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने एकल पीठ ने पंकज कुमार सिंह और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला बीते दिन सुना दिया है। एकल पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि अब सुनाए गए फैसले में परीक्षा को 9 सितंबर को ही आयोजित करवाने का ऐलान किया गया और सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया गया है। बिहार के 3 जिलों में बनाई जाएंगी सड़कें। बिहार के 3 जिलों में 1,034 करोड़ की लागत में लगभग 600 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें 34 पुल भी बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने योजना की पहली किश्त की राशि 203 करोड़ रुपए जारी कर दी है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि केंद्र सरकार सड़क योजना के अंतर्गत रोहतास, जमुई, नवादा में सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 15 मीटर लंबाई वाले पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। 4 दिनों तक बिहार के कई जिलों में बारिश की जताई गई संभावना। बीते दिन राजधानी पटना समेत कई जिलों में हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी करते हुए आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। सिर्फ मौसम विभाग ही नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन विभाग ने भी बारिश के समय होने में घर में से नहीं निकलने की अपील की है। इसके साथ ही नेपाल में भारी बारिश से सीमावर्ती इलाकों में बारिश की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, खगड़िया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, रोहतास और सासाराम सदर प्रखंड, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, पटना, मुंगेर और कटिहार में भी आंधी के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की और तेज बारिश होने की बात कही गई है। बिहार में सब्जी उत्पादक किसानों का होगा सर्वे। बिहार में सब्जी के खुदरा विक्रेताओं को अब सरकार जल्द ही खुदरा विक्रेताओं को संगठित करने के लिए सरकार सब्जी उत्पादकों को हर सुविधा मुहैया करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, जिसके लिए राज्य के सब्जी उत्पादकों का डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है। सर्वे कराने वाली एजेंसी को हर किसान की पूरी जानकारी होना अनिवार्य होगा। किसान कितने रकबे में खेती करता है, कितने प्रकार की सब्जियों का खेती करता है, कितना उत्पादन होता है, रोज की खपत क्या है, बीज कहाँ से लाता है, इन सभी बातों की जानकारी सर्वेकर्ता किसानों से लेगा, जिससे किसानों की मूल समस्या का पता लगाना आसान होगा और उसके अनुसार उसकी समस्या दूर करने की कोशिश की जाएगी।
जदयू की वर्चुअल रैली में नीतीश कुमार ने कही खास बातें। बीते दिन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। जदयू ने वर्चुअल रैली के माध्यम से नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत बिहार की जनता को संबोधित किया, जिसके तहत उन्होंने कई सारी बातें भी कही है। नीतीश कुमार ने 15 सालों की तुलना को विकास का पैमाना दिया है, तो वहीं लालू राबड़ी शासनकाल की खामियां भी लोगों को गिनवाई है। वहीं उन्होंने सड़क बिजली पानी समेत लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए अपनी बातों को जनता के समक्ष रखा है। उन्होंने बिहार में हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा जांच होने की बात कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल 6 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मुहैया करवाने का दावा किया है। पटना में कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक के छात्र के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने का जारी किया गया आदेश। पटना के डीएम कुमार रवि ने 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी एसओपी का ख्याल रखते हुए कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थान को खोलने का आदेश दे दिया है। पटना जिलाधिकारी पदाधिकारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारी सभी थानाध्यक्ष सहित प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी को प्रभाव कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया है। विभाग की तरफ से जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को अनुमति प्रदान करते हुए 9वीं से 12वीं तक के छात्र पढ़ाई के सिलसिले में शिक्षकों से स्कूल में मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अभिभावकों की इजाजत जरूरी होगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में नया एंगल से जांच करेगी सीबीआई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच में जुटी सीबीआई की टीम अब नए एंगल से जांच करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई सुशांत के काम के दौरान रंजिश को लेकर भी तफ्तीश तेज करने वाली है। सुशांत की जानकारी आने के बाद ऐसी खबरें आई थी कि सुशांत की फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बड़े लोगों के रंजिश चल रहे हैं, जिसके बाद से उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। सुशांत से जुड़ा यह मामला सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर भी काफी बयानबाजी हुई थी। मामला इतना बढ़ गया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री दो धड़ों में बंट गई है। वहीं सीबीआई हर संभव कोशिश करके जांच करने में जुट गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली की। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 में हुआ था। गोपाल सिंह नेपाली भारतीय कवि और हिंदी लिटरेचर में ज्ञानी माने जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड में कई सारे लिरिक्स भी लिखे हैं। आपको बता दें, गोपाल सिंह नेपाली बहादुर सिंह के पुत्र थे, जिनका जन्म भगवान कृष्ण के जन्मदिन के दिन ही हुआ था। इनका बॉलीवुड से नाता भी काफी लंबे समय से है, जिसकी शुरुआत 1944 में हुई थी। वहीं 1963 में उनके दुनिया को अलविदा से कहने के बाद यह सिलसिला खत्म हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में 54 फिल्मों में 300 गाने लिखे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारी कविताओं का वर्णन भी किया था, जिसमें उमंग, रागिनी, पंछी, नीलिमा, हिमालय ने पुकारा समेत कई कविताएं शामिल है। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री बिहार को देंगे बड़ी सौगात। आने वाले 10 सितंबर बिहार के लिए काफी कुछ लेकर आएगा। मिली जानकारी के अनुसार 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है और बताया है कि 10 सितंबर को प्रस्तावित मत्स्य पशुपालन और कृषि विभाग से जुड़ी 294.53 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं आने वाले 25 सितंबर तक 5 शहरों में अन्य विभागों की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाने का ऐलान किया है। 8 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार कैबिनेट की बैठक करेंगे, जिसकी जानकारी कैबिनेट सचिवालय की तरफ से दी गई है। इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय की तरफ से पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। सभी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट बैठक से जुड़ेंगे। पत्र में कहा गया है कि सभी मंत्री अपने विभाग के सचिव के चेंबर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल होंगे। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जारी किया गया पोस्टर के तहत भाजपा ने पेश की अपनी सफाई। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर शुरू हुई राजनीति को लेकर भाजपा ने अपनी सफाई दी है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक स्टिकर इन दिनों काफी तेजी से सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा था, जिसमें भाजपा की तरफ से लिखा गया था, ना भूले हैं ना भूलने देंगे। स्टिकर पर कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ भाजपा भी छापा गया है, जिससे भाजपा के कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के नेता वरुण कुमार सिंह कहा है कि सुशांत की तस्वीर वाला स्टिकर 1 महीने पुराना है। जब सुशांत के परिजनों को न्याय दिलवाने के लिए मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने की मांग हो रही थी, इस संबंध में स्टिकर छापा गया था। जदयू के बाद कांग्रेस ने वर्चुअल रैली के जरिए किया बिहार चुनाव प्रचार का आगाज। 7 सितंबर की तारीख आगामी विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम है, क्योंकि बीते दिन से कई सारी पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां एक तरफ जदयू ने वर्चुअल रैली का संबोधन किया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने वर्चुअल रैली के जरिए बिहार चुनाव प्रचार का आगाज किया है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने आने वाले कुछ दिनों में 100 विधानसभा क्षेत्र में बदलाव करने का फैसला जारी किया है, जिसकी विधिवत शुरुआत बीते दिन से दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से की गई है। इस मौके पर प्रभारी महासचिव शक्ति सिंह, सचिव अजय कपूर, वीरेंद्र राठौर और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे शामिल हुए थे। 4 अक्टूबर को आयोजित होगी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा। केंद्रीय चयन परिषद की तरफ से सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 अक्टूबर को यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के 400
54 पदों पर बहाली के लिए यह तारीख निकाली गई है। कुल 454 पदों पर बहाली होनी है। बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में राज्य की अधिसूचित और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ही बहाल हो सकती है। अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। बिहार निवासी IAS को मिली जम्मू कश्मीर की अहम जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नितीश्वर कुमार को उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा को प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है, जिसके तहत प्रवक्ता ने बताया है कि 1996 बैच के IAS अधिकारी को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिनियुक्त मिल गई है। इसके बाद उन्हें उपराज्यपाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नितीश्वर कुमार को 1992 बैच के IAS अधिकारी अतुल पाठक का स्थान दिया गया। आपको बता दें, नितीश्वर कुमार बिहार के निवासी है। पटना को स्मार्ट बनाने के लिए नगर विकास विभाग ने कई परियोजनाओं को दी स्वीकृति। बिहार को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए नगर विकास आवास विभाग में विकास परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है और राशि जारी कर दी गई है, ताकि काम को समय पर पूरा किया जा सके। नगर विकास और आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने इन सभी योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिया है। इन योजनाओं के तहत आधारभूत विकास योजना को लेकर भी काम करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा शहर को और बेहतर बनाने के लिए एक हैप्पी स्ट्रीट भी बनाया जाएगा, जहां राजधानीवासी आसानी से घूम सकेंगे। बिहार के कुल मिलाकर 27 जजों का हुआ तबादला, वहीं कई जजों को मिला प्रमोशन। बिहार में बीते दिन जजों का तबादला और प्रमोशन बड़े पैमाने पर किया गया है, जिसके तहत 10 जिला जज और 17 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रमोशन देते हुए उनका तबादला किया गया है। यह सभी 17 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश बनाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी जजों का तबादला और प्रमोशन हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडे ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें जिन जजों का तबादला किया गया है, साथ ही जिन जजों को प्रमोट किया गया है, उनकी पूरी सूची जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के माहौल में रोजगार मुहैया करवाने का किया दावा। जहां एक तरफ बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे आए दिन देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अपनी पहली वर्चुअल रैली को संबोधित कर पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। पार्टी ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने रोजगार मुहैया करवाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के माहौल के दौरान सरकार ने एक एक चीज पर काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली के बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें दिया चैलेंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत सरकार को खुला चैलेंज दिया गया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को बिहार की जनता ने नकार दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने और अपने पिता के ऊपर नीतीश कुमार द्वारा लगाए गए आरोप का हवाला देते हुए कहा है कि वो पुरानी बातों को खंगाल रहे हैं, उन्होंने नई बात तो की नहीं, उनके सवालों का जवाब उन्होंने दिया नहीं है। मुख्यमंत्री को जितने साल की राजनीति का अनुभव है, उतना तो उनकी उम्र भी नहीं है, लेकिन मैं उन्हें डिबेट करने की चुनौती देता हूं। मेरे पास कुल मिलाकर 10 सवाल है, अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो वो इन सवालों का जवाब दे या फिर डिबेट करे। जदयू कार्यालय के बाहर राजद कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। बीते दिन आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जदयू कार्यालय के बाहर राजद कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। जहां एक तरफ वर्चुअल रैली करके चुनावी शंखनाद फूंक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन जदयू पार्टी कार्यालय के बाहर राजद कार्यकर्ताओं का मोर्चा भी देखा गया। राजद कार्यालय के बाहर कई कार्यकर्ताओं की भारी संख्या देखी गई है, जिन्होंने जदयू कार्यालय के पास पहुंचकर विरोध किया और हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने इस मौके पर रोजगार मुहैया करवाने के लिए नारे भी लगाए। जदयू के खिलाफ मैदान में उम्मीदवार उतार सकती है लोजपा। जहां एक तरफ बिहार में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली की शुरुआत हुई है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की अध्यक्षता में अहम बैठक का आयोजन भी करवाया गया था। चिराग पासवान की अध्यक्षता में बीते दिन हुई इस बैठक में आगे सभी प्रकार के निर्णय के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है। गठबंधन पर कोई भी फैसला लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे, लेकिन संसदीय बोर्ड ने बिहार के 143 सीटों पर उम्मीदवार देने का फैसला किया है। बैठक में यह फैसला पासवान की उपस्थिति में किया गया है, यानी कि साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए 100 सीट छोड़कर शेष सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार लोजपा उतार सकती है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब रिया चक्रवर्ती ने उनकी बहन प्रियंका को निशाने पर लिया है, जिसके तहत रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार समेत अन्य लोगों पर मुंबई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, जिसके तहत लोजपा के युवा उपाध्यक्ष चंदन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा है कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो मामला सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ दर्ज करवाया गया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
साल 2016 के बाद सर्वश्रेष्ठ महसूस करने की विराट कोहली ने कही बात। इन दिनों भारतीय टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली आईपीएल के आयोजन को लेकर यूएई में अभ्यास करते नजर आ रहे। वहीं इसी दौरान उन्होंने हाल ही में साल 2016 के बाद अब शांति महसूस होने की बात कही है। टीम में कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे चैंपियंस खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद आरसीबी पिछले 3 सत्र में प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना सकी है। आखिरी बार टीम 2016 में फाइनल में पहुंची थी, उसके बाद अब यह महसूस हो रहा है कि शायद इस सत्र में कामयाबी उन्हें मिल सकती है और यही कारण है कि वो काफी लंबे समय बाद शांति महसूस कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया को मिली नई पहचान। वोडाफोन आइडिया के विलय के लगभग 2 साल के बाद कंपनी ने अपने नए नाम का ऐलान किया है, जिसके तहत वोडाफोन आइडिया का अब वीआई यानी कि वी के नाम से जाना जाएगा। वीआई का पूरा नाम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है। आपको बता दें, साल 2018 के अगस्त में वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ था, लेकिन अब तक दोनों कंपनियों को उनके नाम से ही चलाया जा रहा था। इसके नाम की घोषणा को लेकर के सीईओ रविंद्र ने कहा है कि दो ब्रांडों का एकीकरण दुनिया में सबसे बड़ी दूरसंचार एकीकरण की परिणति है। यह एक नई शुरुआत का समय है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शशि भूषण, अमित कुमार यादव, राकेश रॉय, प्रेम कुमार, हरजीत सिंह, प्रिंस कुमार, मिथुन कुमार, पंडित नीरज कुमार, राकेश भगत, जय नरेंद्र कुमार, पूनम कुमारी, मनीष कुमार, समीर राज, नीरज कुमार, रोशन गुप्ता यादव, अवजीत, मोहम्मद असलम, विपिन कुमार गुप्ता, आशुतोष कुमार, उजाला चौधरी, चंद्रशेखर सिंह, विकी शर्मा, असलम राज, परवेज आलम, छोटू अंसारी, नदीम राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में लॉकडाउन हटाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।